नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज चर्चा करते हैं ध्यान की एक विशेष विधि का, जिसमें पुरुष स्त्री को मातृभाव में देखता है और अनुभव करता है। दोस्तों ये ध्यान की विधि का एक प्रकार है। ध्यान की अनंत विधियाँ होती हैं, प्रकार होते हैं, तो उनमें से एक यह भी एक प्रकार है जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कोई पुरुष जब किसी स्त्री को देखता है, उसका दर्शन करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, ध्यान करता है, तो क्या विचार आने चाहिए या कैसे विचार इस ध्यान में आते हैं उस पर चर्चा करते हैं, और इस ध्यान से क्या लाभ होता है इस पर भी चर्चा करते हैं। ये ध्यान इस प्रकार का है कि इसमें जब भी पुरुष किसी स्त्री का चिंतन करता है तो वह ये सोचता है कि वह पुरुष उस स्त्री के अंदर है, यानी वह पुरुष अपने अस्तित्व को उस स्त्री के अंदर महसूस करता है, उस स्त्री के शरीर के अंदर महसूस करता है। चाहे वह स्त्री कोई भी हो, उसकी जान पहचान की हो या अननोन हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार का ये ध्यान है, इसमें पुरुष ध्यान करता है, और इस ध्यान के साथ साथ होता ये है कि जो मस्तिष्क की ऊर्जा पुरुष की है, जो क्षय होती रहती है स्त्री दर्शन से, स्त्री चिंतन से, और पुरुष वासना के अंतर्गत जो ध्यान करता है स्त्री का, उससे उसका मानसिक ध्यान में ऊर्जा क्षय होती है, वो पूरी ऊर्जा बच जाती है। बहुत सहज ध्यान है, बहुत आसान ध्यान है। आपको कुछ नहीं करना है, स्त्री को दर्शन करिए या चिंतन करिए, मनन करिए, और ये सोचिए कि आप उस स्त्री के अंदर है, उसके शरीर के अंदर है। तो इस प्रकार के ध्यान से आपकी मानसिक शक्ति का विकास होगा और धीरे धीरे आप आध्यात्मिक स्तर पर काफी महत्वपूर्ण विजय और पर आगे चलते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। ये ध्यान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है किसी किसी को, परंतु किसी किसी को काफी मुश्किल से या कठिनाई से इस ध्यान की प्राप्ति होती है। इस ध्यान को प्राप्त किया जा सकता है अगर हम ऐसा भाव विकसित करें अपने मन में, और इस भाव को विकसित करने के बाद आध्यात्मिक रूप से हमको काफ़ी शांति महसूस होगी। दोस्तों आप इस ध्यान को अपनाइए और करिए, और इस ध्यान से लाभ प्राप्त करिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ध्यान को लगाने के बाद आपको काफ़ी शांति मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सो आप ये करें और लोगों को बताएं, करवाएं। सारी समस्याओं का हल है ये ध्यान। स्त्री शोषण का हल है, स्त्री का जो शोषण होता है जो पुरुष करता है, या पुरुष स्वयं कुंठित रह जाता है, कुंठित होता है, तो इन सब कुंठाओं का नाश और मानसिक शांति, मेंटल पीस की प्राप्ति होती है इस ध्यान को लगाने से। इस ध्यान की वीडियो को मैंने अंग्रेजी भाषा में भी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। ये पुरुषों के लिए सबसे सहज ध्यान है, सबसे प्रभावी ध्यान है। और ओशो जो रजनीश थे, जिनका ध्यान काफ़ी समय पहले हो चुका है, उन्होंने भी इस ध्यान पे काफ़ी काम किया था, और वो भी काफ़ी लोगों से कहते थे कि ये ध्यान आप इस प्रकार का करो। तो आप इस ध्यान को करें, सिद्धि प्राप्त करें, इस ज्ञान को बांटें, और अगर सभी लोग संपूर्ण विश्व के इस ध्यान को करते हैं तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी शांति पृथ्वी पर होगी सामाजिक रूप से, और स्त्री पुरुष संबंधों में जो सुधार आएगा वो मैक्सिमम होगा, ऑप्टिमम होगा इस ध्यान को करने से। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को आप सर्कुलेट करो जितना हो सके। कम से कम जो लोग हिंदी जानते हैं वो इस वीडियो को पूरी तरीके से समझ सकते हैं और हिंदी भाषियों को सर्कुलेट कर सकते हैं। इंग्लिश में भी मैंने वीडियो बना रखी है इस पर, वीनस रेमेडी के नाम से। तो वीनस रेमेडी के नाम से आप उस इंग्लिश वीडियो को भी देख सकते हैं, और उसको भी आप सर्कुलेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं।
रिव्यू कर सकते हैं। मेरा मकसद ये है कि इस वीडियो को आप शेयर करो और ध्यान की इस विधि को आप जितना ज़्यादा प्रसारित करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको शांति मिलेगी और विश्व में शांति की स्थापना होगी। अगली वीडियो के लिए आपका दिन शुभ हो, तब तक के लिए नमस्कार।